Hello everyone, welcome again in your EBS class. Students, in this class we have finished the syllabus of periodic test 1. हमने अपनी EBS class में periodic test 1 का syllabus finish कर लिया है. So today we will start the syllabus of term 1. इसलिए आज हम term 1 का syllabus start करेंगे. Clear? Students, first see the syllabus of term 1. सबसे पहले Students, first see the syllabus of term 1. Okay? You know very well that our syllabus is divided into 3 parts. हमारा जो syllabus है, वो 3 parts में divided है. First is pen paper, second is subject enrichment and last is activity. Okay? In pen paper test, there are only 3 chapters. Pen paper test में आपके 3 chapters है. Chapter number 7, the food we eat. Chapter number 8, cooking food, and chapter number 9, water. Okay, next, subject enrichment. In subject enrichment, there are only one chapter, chapter number 10, transport we use. And last is activity. Activity mein hai aapka chapter number 6, mapping my neighborhood. Clear everyone? So students, first we will finish the chapters of pen paper test. सबसे पहले हम पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन एनरिचमेंट के एंड लास्ट इज एक्टिविटी के. ओके, और आपको पता है कि हम सिर्फ पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स के ही नोट्स बनाएंगे. हम एनरिचमेंट से सिर्फ ओरल करेंगे और अपनी बुक की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे, और एक्टिविटी से जो भी मैं एक्टिविटी आपको दूंगी वो एक्टिविटी हम करेंगे. क्लियर एवरीवन? So students, today we will start our new chapter that is included in your pen paper test. Chapter number 7, the food we eat. Clear? So now let's start. So students, first we will know about food. सबसे पहले हम food के बारे में जानेंगे कि food है क्या. Its Hindi meaning is भोजन. Okay? Now what is food? Something that people or animals eat. जो भी चीज़ें पीपल यानी कि लोग या तो फिर एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फूड कहते हैं. लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, सेरल्स, एग, मीट, मिल्क एंड सो ऑन. ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी फूड है जिन्हें हम खाते हैं. क्लियर? नाउ टेल मी दैट व्हाई डू वी नीड फूड. हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? यस, we need food to live and grow. हमें जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. Okay? Food gives us energy to do work. भोजन हमें कार्य करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा देते हैं. जो भी कार्य हम करते हैं उन्हें करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? यस, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें एनर्जी भोजन से प्राप्त होती है. क्लियर? नाउ टेल मी दैट व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जो भी कार्य हम करते हैं लाइक प्लेइंग, रीडिंग, रनिंग, राइटिंग, इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? यस, एनर्जी की आवश्यकता होती है. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी? यस, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. क्लियर एवरीवन? नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 32. फूड प्रोवाइड्स आवर बॉडी विद एनर्जी. फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इट हेल्प अस टू ग्रो. ये हमें ग्रो यानी कि बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं. इट कीप्स अस एक्टिव. ये हमें एक्टिव रहने में हमारी सहायता करते हैं. आवर ब्रेन नीड्स एनर्जी टू थिंक एंड मेक सेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रेन. ब्रेन का वर्क क्या है? यस, आवर ब्रेन हेल्प अस टू थिंक. ब्रेन हमें सोचने में हमारी सहायता करते हैं. ठीक है, तो बच्चों, ब्रेन को सोचने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमें फूड से मिलेगी. क्लियर?
Without energy, we cannot focus on what we are doing. बिना एनर्जी के हम अपने कार्यों पर फोकस नहीं कर सकते कि हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, ठीक है? Next, whether we are learning new things at school or playing at home, good food help us to concentrate. स्टूडेंट्स, हम जो भी वर्क करते हैं, या तो स्कूल में स्टडीज करते हैं, या प्लेग्राउंड में खेलते हैं, या अपने घरों में खेलते हैं, तो हमें इन सभी कार्यों को करने के लिए फूड हमारे वर्क पर कंसंट्रेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फूड हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना? विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, बिना फूड के हम जीवित नहीं रह सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, बट सम फूड लाइक चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ। कुछ फूड जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, ये सभी हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होते। वाई? बिकॉज दे आर ऑयली और कंटेन अ लॉट्स ऑफ शुगर और सॉल्ट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और इनमें अधिक मात्रा में शुगर और सॉल्ट होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सम फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। बच्चों, कुछ फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट का मीन्स होता है बच्चों मिल्क से बनी हुई चीजें, ठीक है? लाइक चीज, बटर, घी एक्सेट्रा। ये सभी हमारे हेल्थ यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है? एंड द फूड विच आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ इज कॉल्ड जंक फूड। और वो फूड जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें हम जंक फूड कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ फूड इन आर नेक्स्ट सेशन। हम अपने नेक्स्ट सेशन में टाइप्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, ओके? सो इट्स टाइम टू डू द होमवर्क एंड क्लास वर्क। स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क, दैट राइट सिलेबस ऑफ टर्म 1 इन योर क्लास वर्क कॉपी। बच्चों, आपको अपनी ईवीएस क्लास वर्क कॉपी में टर्म 1 का सिलेबस राइट करना है, ठीक है? जो भी सिलेबस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था, वही सिलेबस आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है आपका होमवर्क। योर होमवर्क इज लर्न एंड राइट गिवन की टर्म। आपको ओनली वन की टर्म मैंने दिया है, इस की टर्म को अच्छे से लर्न करना है और अपनी होमवर्क रजिस्टर में 2 times राइट करना है। योर की टर्म इज जंक फूड। नाउ व्हाट इज जंक फूड? फूड कंटेनिंग टू मच शुगर, सॉल्ट और ऑयल। बच्चों, वह भोजन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर, सॉल्ट या तो ऑयल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जंक फूड कहते हैं। जंक फूड आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ। जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर? So students, this is your homework. You have to learn and write this key term in your homework register and this is your classwork. Okay, that's all for today.